सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब बढ़िया होंगे घर पे। सो जो हमारा इन्वायरमेंट का जो फिफ्थ का जो सेकंड लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने लास्ट सेकंड यूनिट देखा था कि ऑल टुगेदर वाला, कि सब हम साथ रहें। हमने फर्स्ट जो हमारा यूनिट था कि फर्स्ट हमारा यूनिट था वो विल डू दिस, जो एक्सीडेंट वो सब हमने देखे थे। देन सेकंड है ऑल टुगेदर। अब जो हम ऑल टुगेदर वाला लास्ट लेक्चर में सब देख चुके हैं कि उसमें जो स्टोरी थी, फिर मैंने आपको होमवर्क में भी सब दिया था कि आपकी वर्कबुक हो तो वर्कबुक में लिखना है या फिर आपकी नोटबुक में लिखना है। सो अब हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सिड। अब इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंटल मतलब कि जो ये सीड होते हैं, सीड माने जो बीज, जैसे फर्स्ट जो इतने बड़े बड़े जो आप बाहर जा आपके आंगन में जा फिर आप कहीं भी जो हम ट्रीज देखते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, वो ऐसे छोटे सीड होते हैं। सीड माने बीज, मतलब बीज के स्वरूप में होते हैं वो। उसकी पूरी जर्नी के बारे में हमको इस चैप्टर में बताने में आया है। सो फॉर बीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो बीज होते हैं, कि जो पूरी प्रोसेस होती है उनकी, उसके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा समझाने में आया है। जो बीज हमारे होते हैं उनको हम मतलब कि उनको वावनी करते हैं, जैसे हम उसको बिल्डअप करते हैं, फिर वो पूरी जो हमारी अर्थ है माने जो पृथ्वी, उसमें से पूरा पोषण लेते हैं, फिर ऊपर से बारिश या फिर हम पानी भी देते हैं, खाद वगैरह ये देते हैं, उसकी वजह से वो बिल्डअप होते हैं, वो उसकी पूरी जर्नी है। सो दैट आप फर्स्ट पिक्चर देख लीजिए। सो आपने फर्स्ट पिक्चर है जो पिक्चर वन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक सूखा हुआ रन मतलब ज़मीन है, रन प्रदेश नहीं है, थोड़ा सूखा हुआ ज़मीन है, वहाँ पे सूरज देख सकते हैं और छोटा सा ये बीज है, मतलब इमोजी के स्वरूप में हमको दिखाया गया है। ये बीज होते हैं वो, जिसे हम सीड कहते हैं। देन सेकंड पिक्चर देखिए कि जब रात है, वहाँ पे थोड़ा वो उठ गया है, मतलब पावर आ गया उसमें। देन थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मॉनसून की सीज़न है, इसमें बारिश हो रही है, सीड देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ग्रो अप हो गया है। देन लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो सीड है वो अब ऐसे में से ऐसा बन गया है, मतलब कि उसकी पूरी जर्नी हो गई है, वो बड़ा सा हैवी जायंट वृक्ष माने ट्री हो गया है। सो हमको इसी के बारे में पढ़ने में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। सो फर्स्ट पिक्चर में हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया फर्स्ट पिक्चर में हम पूरे बीज की एक जो बीज की जो फर्स्ट अवस्था जो सिचुएशन होती है वो देखते हैं। सो इसका आंसर इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी द सन शाइनिंग इन द स्काई एंड द माउंटेंस। सो हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं जो सन है वो यहाँ पे माउंटेन है वो सब शाइन कर रहे हैं, एंड जो माउंटेन है वो है मतलब माउंटेन मतलब जो पहाड़ है। अ सीड इज सीन राइजिंग बिलो द ग्राउंड, जो सीड है वो जमीन पे लेटा हुआ है, मतलब जमीन पे है। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर। इन द सेकंड पिक्चर वी कैन सी द ग्राउंड ऑफ द मून इन द स्काई एंड द माउंटेन। सो अब सेकंड पिक्चर देखिए आप कि यहाँ पे नाइट हो गई है, मून भी है, सो वो चंद्र जिसे मून कहते हैं वो है। सो देन द सीड बिलो द ग्राउंड इज़ गेटिंग रेडी टू ग्रो। अब क्या हो गया है कि पहले जो सीड था, बीज था, उसकी कैसी सिचुएशन थी कि वो पहले पुख्ता अवस्था में नहीं था, मतलब कि वो उसकी जो अवस्था होती है कि जो बीज स्वरूप होता है उसमें था। देन सेकंड में वो क्या थोड़ा पुख्त हो गया है कि अब नहीं, उसका ग्रो होने लगा है धीरे धीरे, मून में नाइट में उसको सारे वो पोषण जो अर्थ है ज़मीन है उसमें से मिलने लगे। देन सेकंड क्वेश्चन हमने देखा। देन थर्ड है विच सीज़न इज शोन इन द थर्ड पिक्चर। सो आपको यहाँ पे कौन सी सीज़न दिख रही है कि थर्ड पिक्चर में हमको कौन सी सीज़न माने जो सीज़न होती है ना हमारी, जैसे फर्स्ट है कि जो हम समर कहते हैं वो, देन जो विंटर, फिर मॉनसून। सो
इसमें हमको थर्ड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, इन द थर्ड पिक्चर रेनी सीजन इज शोन, हमको थर्ड पिक्चर में रेनी सीजन जो बारिश वाली सीजन है वो देख सकते हैं आप इस थर्ड पिक्चर में। देन लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर, इन द फोर्थ पिक्चर द सीड हैज़ बिकम अ लार्ज ट्री, हम फोर्थ पिक्चर देखते हैं तो फोर्थ पिक्चर में क्या हो गया, जो बीज था जो सीड था वो एक लार्ज ट्री बन गया है। देन द सन एंड माउंटेन्स आर सीन लॉन्च द ट्री, ग्रास इज ग्रोइंग अराउंड ट्री, अब जो सन है वो भी है वहाँ पे, फिर माउंटेन आप देख सकते हैं जो पहाड़ थे पहले, यहाँ फर्स्ट पिक्चर देखिए देन आप फोर्थ पिक्चर दे, दोनों में आप कंबाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में देखिए कि बहुत धूप थी, देन हमने फोर्थ पिक्चर देख रहे हैं तो कैसे ग्रीन ग्रीन सारा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास व्रास कुछ नहीं था, अब ग्रास हो गए, जो घास होते हैं वो ये सब हो गया है। सो हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है आज, जब आप लास्ट लेक्चर में आओगे तब हम इसका आगे का पढ़ेंगे। सो आपका होमवर्क यही है कि ये जो हमने चार क्वेश्चन देखे ना यहाँ पे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, वो आपको आपकी नोटबुक या आपकी वर्कबुक में लिखना है, अगर आपके पास नोटबुक हो तो नोटबुक में लिखिए और वर्कबुक हो तो वर्कबुक में लिखिए, दोनों में से एक में लिखिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और आप आपकी वर्कबुक धीरे धीरे पूरी करते रहिए, मतलब कि आपको जो आता हो या फिर आपको जितना आता हो आप लिखते रहिए, और कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सो आपका होमवर्क एक बार मैं और समझा देता हूँ, जो हमने आज न्यू चैप्टर देखा डेवलपमेंटल जर्नी ऑफ सीड, जो सीड होते हैं बीज होते हैं उनकी पूरी जर्नी, जैसे ये जो ट्री है तो फर्स्ट वो बीज ही था जिसे हम सीड कहते हैं, फर्स्ट ये बीज ही था, देन वो उसमें से उसको सारे न्यूट्रिशंस जो पोषण मिलते गए बारिश वगैरह उसकी वजह से वो जायंट ट्री बन गया। सो उसकी पूरी जर्नी के बारे में हम देखेंगे। अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, मतलब मैं आपको एक्टिविटीज़ भी होमवर्क में दूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है कि ये आपको चार फोर क्वेश्चन है वो आपको आपकी वर्कबुक या नोटबुक में लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय।